अब उन लोग बॉन्डिंग की बात करेंगे, जो आपने सुना होगा केमिकल बॉन्ड कई टाइप के होते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी, वेदर इट इज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इवन फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं फिजिकल केमिस्ट्री की बॉन्डिंग में और बॉन्डिंग के अंदर बाय फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिकल फोर्सेस क्या होते हैं? नाउ सी, केमिकल फोर्सेस आर फोर्स ऑफ force of attraction which binds, they are the force of attraction which binds atoms together, जो atoms को आपस में bound करने का काम करेंगे, they are the chemical forces, इन ए टुगेदर इन ए गिवन केमिकल यूनिट। गिवन केमिकल यूनिट इन ए गिवन केमिकल यूनिट। यदि हम तीन चार पांच एटम्स की बात करें, मान लीजिए कुछ एटम्स हैं, एटम्स का कलेक्शंस है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल एटम्स। सो रिमेंबर द इंडिविजुअल एटम्स आर अनस्टेबल। तो मान लीजिए बहुत सारे एटम्स हैं, और बहुत सारे एटम्स आर सेट टू बी इंडिविजुअल एटम्स। ये इंडिविजुअल एटम्स जो हैं, दीज आर अनस्टेबल, दीज आर अनस्टेबल, और ये सभी आपस में मिलके फॉर्म करेंगे केमिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। इसीलिए जो केमिकल यूनिट है, वो केमिकल यूनिट को हम लोग रखेंगे इन द कैटेगरी ऑफ स्टेबल। यदि अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब कुछ एनर्जी इस प्रोसीजर के अंदर रिलीज होगी। सो प्लस क्यू, हीट ट्रांसफर, कुछ हीट का ट्रांसफर होगा, सपोज इट इज द क्यू किलो कैलोरी। सो केमिकल यूनिट्स जो हैं, वो ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एटम। और जो भी हीट रिलीज होती है यहां पर, दैट इज मेंशनड इन द फॉर्म ऑफ द एंथैल्पी, तो आप बोलोगे कि डेल्टा एच, डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू किलो कैलोरी, माइनस क्यू किलो कैलोरी। जो डेल्टा एच है, दैट इज द माइनस क्यू किलो कैलोरी। इसलिए हम लोग यहां बोलेंगे कि जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस, इसका मॉडुलस ले रहे हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू, इसका भी मॉडुलस लोगे आप, दिस इज द क्यू किलो कैलोरी। नाउ इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू, सो डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस आर क्यू किलो कैलोरी। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर कि हर बॉन्ड जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ बाउंड होगा, और जब वो बॉन्ड बनेगा तो उतना अमाउंट एनर्जी का रिलीज करेगा। तो इंडिविजुअल एटम्स आर अनस्टेबल, बट द केमिकल यूनिट्स आर स्टेबल। अब इसी के अंदर हम लोग लिख रहे हैं टाइप ऑफ
केमिकल फोर्सेस। बॉन्डिंग का जो क्लासिफिकेशन है, जो आप बॉन्ड्स पढ़ते हो, वो बॉन्ड्स हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्डिंग के जो क्लासिफिकेशन है दे आर विद, इन सभी का जो रेफरेंस है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रेफरेंस। तो टाइप ऑफ केमिकल फोर्सेस में आप यहां देखें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो बात करेंगे हम लोग, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पॉजिटिव शो कर रखी है, मॉडुलस लिया है, अदरवाइज इस टाइप की एनर्जी हमेशा यूनिट बनने पर रिलीज करती है। तो डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस इज लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। अब हम यहां किलो जूल की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि जूल्स एंड कैलोरी देर इज सम रिलेशन, एंड डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस यदि हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 8 to 42 किलो जूल पर मोल, एंड डेल्टा एच केमिकल फोर्सेस इज ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल। तीन टाइप के केस अराइज हुए, हमने लिमिट लिया 8 to 42। तो एक तो 8 से छोटा है और एक 42 से बड़ा है, और कुछ रेंज हम लोगों ने यहां डिसाइड करी बिटवीन द 8 to 42 किलो जूल पर मोल। जब 8 to 42 के बीच में एनर्जी होगी उस टाइम पर हम लोग इसको रखेंगे इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द जिसकी एनर्जी 8 होगी, इट इज द वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड से जो फोर्सेस ज्यादा होंगे वो फोर्सेस आप देख सकते हो यहां पर, जब एनर्जी 42 से ज्यादा हो तभी हम यहां पर बोलते हैं कि यहां जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज ए केमिकल बॉन्ड, दिस इज ए केमिकल बॉन्ड। और दूसरा वाला यदि 8 से कम है इसको हम लोग रखेंगे इन द कैटेगरी ऑफ वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल फोर्सेस। तो ध्यान रखना आपकी वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के नीचे यदि फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो वांडरवाल फोर्सेस की कैटेगरी में आएंगे, और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी से ज्यादा फोर्सेस यदि एग्जिस्ट कर रहे हैं तब हम बोलेंगे कि वहां पर जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। अब बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब एग्जिस्ट करती है, या आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जब एग्जिस्ट करे डायरेक्टली अटैच्ड हो, हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, एंड रेयरली क्लोरीन, उस टाइम पर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कैसे करेगी, आप इसमें देखें कि सपोज इन सभी एटम को हम एक कॉमन कैटेगरी में रख देते हैं, रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं एक्स के साथ, तो एच जो है वो अटैच्ड है किसके साथ, एक्स के साथ, ऐसे ही एच आपका एक्स के साथ और अटैच्ड होगा। नो डाउट एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच, ऐसे केस में इस बॉन्ड का पोलराइजेशन एक्स की तरफ होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज और एच पर पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली यहां पर भी नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में यहां पर फोर्सेस एग्जिस्ट करने लगे। इसी फोर्सेस को हम लोग एक अनइंटरप्टेड लाइन से शो करते हैं या डॉटेड डैश लाइन से शो करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मस्ट है कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो एंड रेयरली क्लोरीन, रेयरली क्लोरीन, तब हाइड्रोजन बॉन्ड यहां एग्जिस्ट करता है, तब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब क्लोरीन के साथ में क्या है कि क्लोरीन के साथ एच बॉन्डिंग, हमने आपको बोला इट इज वेरी रेयर, अब रेयर में भी क्या है कि कुछ केसेस हैं जहां पर ये एग्जिस्ट करती है, तो एक मॉलिक्यूल आप देखें यहां पर बेंजीन, बेंजीन के इस पोजीशन पर ऑक्सीजन एंड एच, इस पोजीशन पर क्लोरीन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, यहां पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेसिकली चार्ज ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया, एच पर पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली क्लोरीन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इन दोनों के बीच में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगा। दिस इज द ऑर्थो क्लोरो फिनॉल, ऑर्थो क्लोरो फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इट इज ए कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, इट इज ए केमिकल यूनिट ऑफ क्लोरीन, एक तो ये हो गया। दूसरा देखें आपकी क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट कुछ इस टाइप का है, दिस इज द Cl, Cl एंड दिस इज Cl, CH, ऑक्सीजन एंड H, ऑक्सीजन एंड H, ऐसे केस में यहां देख सकते हो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H पर चार्ज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, तो बेसिकली क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस यहां पर एग्जिस्ट करने लगे, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट जो है इट इज ए स्टेबल जेमडायल, स्टेबल जेमडायल, क्योंकि क्या होता है कि आपको ध्यान रहे कि जब एक ही कार्बन पर OH लगे हो, दो OH लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पर जब सिमिलर ग्रुप लगे रहते हैं तो उन ग्रुपिंग को हम लोग बोलते हैं जिमिनल और जैम। यहां पर क्या है, दिस इज ए डायल और एक ही कार्बन पर, सो दिस इज ए जैम डायल, जैम डायल क्या है, इन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से अनस्टेबल होते हैं और ये इमिडिएटली क्या होता है कि वाटर को रिलीज कर देते हैं, वाटर को रिलीज करने के बाद दे कन्वर्ट्स इन आर सी एच
ई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड ओ प्लस एच टू ओ प्लस एच टू ओ। यह हमारा डायल हो गया। जेम डायल्स आर अनस्टेबल एंड इमीडिएटली अंडर गोज डिहाइड्रेशन टू प्रोड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल बना और साथ में क्या बना, वाटर बना। बट जेम डायल जो है यहां पर ये वाला, इट इज ए स्टेबल बिकॉज ऑफ, हम लोग बोलते हैं और आगे पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग में देखेंगे इसको। तो ध्यान रखो अभी फिलहाल कि क्लोरल हाइड्रेट, इट इज सब्सटेंस ऑफ क्लोरीन, इट इज ए केमिकल यूनिट ऑफ क्लोरीन, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसी टाइप से एक सब्सटेंस और है, दिस इज सी एस एच सी एल टू। ये तीन ही क्लोरीन के कंपाउंड है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो फिलहाल आप इसको ध्यान रखना। बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है इन द सीजियम प्लस, सीजियम प्लस एंड एच सी एल टू माइनस, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस हैं, दीज आर आयनिक फोर्सेस, दीज आर आयनिक फोर्सेस। तो इन तीन सब्सटेंस में क्लोरीन के, ये वो केमिकल यूनिट है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अब केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं? केमिकल बॉन्ड जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो सेड टू बी इलेक्ट्रोवैलेंट। सेकेंड इज द केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो थर्ड है, इट इज द मेटालिक बॉन्ड। ये सारे वो बॉन्ड हैं जिनकी एनर्जीज 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, 1 इज द आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट, सेकंड इज केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज द मेटालिक बॉन्ड, थर्ड इज द मेटालिक बॉन्ड। अब इसको आपको थोड़ा समझना है। नाउ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो है ये बनता है बिटवीन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और दूसरा आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव हो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच में जो बनता है, दिस इज द आयनिक बॉन्ड।
इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। यदि इलेक्ट्रो पॉजिटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहां पर जो है वो चार्ज आएगा। मान लीजिए डिपेंड करता कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मान लीजिए एक ही लूज करा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसके ऊपर एक पॉजिटिव आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको पकड़ने की टेंडेंसी रखता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में ये फोर्सेस लगने लगेंगे, दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये करेक्टर हुआ आयनिक बॉन्ड का। अब दूसरी बात आती है यहां पर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें जो बॉन्ड बनेंगे दीज बॉन्ड्स आर कोवलेंट, जिसको आप बोलते हो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा ना दूसरा लूज करना चाहेगा, तो दोनों को आपस में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा कोवलेंट। इसके बाद मेटालिक, मेटालिक बॉन्ड, जो मेटालिक बॉन्ड है इट इज बिटवीन पहला भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और दूसरा भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो यहां जो बनेंगे दीज आर द मेटालिक बॉन्ड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स जो हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, सो दे आर सेड टू बी एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली एक रेगुलर फैशन में होते हैं, रेगुलर फैशन में मींस इन द सेंस यदि हम बात करें कि NaCl, तो NaCl जो है वो इस टाइप से अरेंजमेंट होता है इसका, एक कैटाइन और एक एनाइन, दिस इज द पॉजिटिव Na+, देन Cl-, देन Na+, देन Cl-। दीज आर द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। Na+ के नीचे आपका Cl- पड़ेगा, Cl- के नीचे आपका Na+ पड़ेगा, Na+ के नीचे अगेन Cl-, देन अगेन Na+। एक रेगुलर फैशन में XYZ एक्सिस पर चलता चला जाएगा। या हम बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है Na+ और Cl- के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज द D1, और Na+ टू Na+ दिस डिस्टेंस इज, सेंटर से लेते हैं हम लोग, दिस इज D2, एंड D2 इज ग्रेटर देन D1, D2 इज ग्रेटर देन D1। तो आपको ये ध्यान रहे कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एक रेगुलर फैशन में होते हैं। NaCl को हम लोग बोलते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल क्यूबिक, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन द सॉलिड स्टेट, बट दिस D2 इज ग्रेटर देन D1। और स्ट्रांग फोर्सेस इनके बीच में आयन और कैटाइन और एनाइन के बीच एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई दे हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हार्ड एंड दे आर ब्रिटल, मतलब आप इसको तोड़ेंगे तो ये शार्प एज के साथ टूटेंगे।
एनिसोट्रॉपिक मीन्स वेरियस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की जैसे हम लोग बात करें कि सपोज करो आपके पास एक चौक का टुकड़ा है और वो चौक का टुकड़ा कुछ इस टाइप का है, इसमें आप क्या ऊपर से और नीचे से फोर्स लगाएं तो इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टली यदि हम लोग इस टाइप से फोर्स लगाएं तो ये बहुत इजीली टूटेगा। तो आप बोल सकते हो यहां पर कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफर कर रही है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर डिफर कर रही है डायरेक्शन वाइज। तो प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो एनिसोट्रॉपिक है, इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज बाई रेगुलर ऑर्डर्स ऑफ एटम एनाइंस, कैटाइन और एनाइन एक रेगुलर फैशन में अरेंज होंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड। अब इसी में आप देखिएगा कि एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को आप थोड़ा समझना। हम लोग लिख रहे हैं कि कूलॉम्बिक फोर्स, एफ कूलॉम्बिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलॉम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। हो सकता है कि रिपल्सिव हो सकता है कि अट्रैक्टिव हो। इसके अंदर सपोज या आप हम लोग इसमें बात करें अबाउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, इट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज ए कॉन्स्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई के, एंड दिस इज क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। आपको मालूम है कि अनलाइक चार्जेस यदि होंगे, अनलाइक चार्जेस यदि होंगे तो फोर्सेस जो होंगे दे आर अट्रैक्शन फोर्सेस, दे आर अट्रैक्शन फोर्सेस। और यदि लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होंगे दे आर रिपल्सिव, दे आर रिपल्सिव फोर्सेस। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हम बात करें यहां पर, तो सपोज योर वन चार्ज Q1 इज वॉट इट इज पॉजिटिव एंड Q2 दिस इज निगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी इन सच केस, पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव बता रहा है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव then there is a attractive coulombic attraction, attractive coulombic attraction means attractive forces वहां पर चल रहे होंगे। if q1 is positive and q2 is also positive, तो potential energy is positive, this is repulsive। similarly if q1 is negative q2 is also negative then potential energy is again positive। तो potential energy positive का मतलब repulsive forces, attractive means potential energy must be negative। तो potential energy को हम इस formula से calculate करेंगे, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r। अब आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग और एक ग्राफ हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने आपको बोली कि एक रेगुलर फैशन में अरेंज होंगे, पॉजिटिव निगेटिव
पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव देन निगेटिव देन पॉजिटिव देन अगेन निगेटिव देन अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इन दोनों के बीच का हमने आपसे डिस्टेंस बोला, दिस डिस्टेंस इज डी वन। और ये वाला डिस्टेंस हम लोग यदि लेके चलें तो दिस डिस्टेंस इज डी टू एंड डी टू इज ग्रेटर देन डी वन। डी टू जो है इट इज ग्रेटर देन डी वन, और डी टू की डिस्टेंस ज्यादा है, डी वन की डिस्टेंस कैसा है, कम है। तो आप कुछ ऐसा सोचें, इसके अंदर बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो पोटेंशियल एनर्जी हम रिप्रेजेंट करेंगे अट्रैक्शन की, दिस इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये वाला हमारा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, सो दिस इज द अट्रैक्शन, इसका पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा निगेटिव होगा, लेकिन इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा दिस इज द पॉजिटिव, इट इज द पॉजिटिव। अब हम ग्राफ बनाते हैं, आप ऐसा सोचें कि एनाइन और कैटाइन इनफाइनाइट से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज द ग्राफ, इस ग्राफ में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट से ऊपर की तरफ इस वैल्यू इज पॉजिटिव, और नीचे इसका वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहां इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर जो ग्राफ होगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ग्राफ होगा, तो आप उसमें बोल सकते हो इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस टाइप का। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, तो इसके अंदर आप देखें कि सपोज कैटाइन और एनाइन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये पोटेंशियल एनर्जी हमको दिखा रहा है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इन नेगेटिव जोन, ये एसिम्प्टोट हो जाएगा जो इनफाइनाइट पर जाके मिलेगा। सिमिलरली इसको जब हम लोग इस टाइप से कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी इनफाइनाइट पर मिलेगा, ऊपर पॉजिटिव है तो यहां शो कर रहा है रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, यहां नीचे शो कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्सेस। Attractive and repulsive forces. तो यदि हम लोग बोलें कि potential energy net, potential energy net, this is equal to potential energy of attraction,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन। आपको मालूम है कि अट्रैक्शन का जो एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा और रिपल्शन का पॉजिटिव होगा, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी केमिकल यूनिट तो बननी बननी है। इसका मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आना है हमारे पास, दिस रिजल्ट मस्ट बी निगेटिव। ये हमारा रिजल्ट कैसा आना है? निगेटिव आना है। लेकिन यदि रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला वर्क कर रहा है तो नेट रिजल्ट तो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द हॉरिजॉन्टल लाइन, यू विल गेट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बात आती है कि हम लोगों का कर्व कैसा होगा। आप सोचें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये इनफाइनाइट से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। इनफाइनाइट से यदि ये दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, मूव करना शुरू करे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। और जब ये दोनों बहुत क्लोज डिस्टेंस पर आ जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, उसके बाद इन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं, क्योंकि कैटाइन हो या एनाइन, इन दोनों के न्यूक्लियस तो आपस में रिपेल करेंगे, तो उन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से ये दोनों और ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते, अंटिल अनलेस आप बहुत हाई प्रेशर ना अप्लाई करें, अंटिल अनलेस आप बहुत हाई प्रेशर ना अप्लाई करें। तो बेसिकली क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नेट लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नेट, दिस इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स इज गिवन बाय 1/4πε0Q1Q2r2। तो अट्रैक्शन इज ए कूलॉम्बिक अट्रैक्शन, और ये कूलॉम्बिक लॉ के थ्रू हम लोग लेके आए, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा। तो इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज मस्ट बी नेगेटिव। और जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्सेस इज पॉजिटिव। रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो कूलॉम्बिक अट्रैक्शन शो नहीं करते, तो इसकी जो वैल्यू होती है, दिस इज 1/4πε0Q1Q2r2n। n को हम लोग यहां बोलते हैं, दिस n इज ए बॉन्ड एक्सपोनेंट। तो नीचे वाला जो जोन है, इस जोन पर f अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन f रिपल्शन, ऊपर की तरफ f रिपल्शन इज ग्रेटर देन f अट्रैक्शन। लेकिन अल्टीमेटली तो केमिकल यूनिट बननी ही है, आयनिक कंपाउंड बनना ही है। यदि बनना है इसके अंदर, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। यहां पर आकर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब एफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू एफ रिपल्शन। ऊपर वाले जोन पर एफ रिपल्शन, यहां पर एफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन एफ
अट्रैक्शन, और इस जोन में एफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एफ रिपल्शन। तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है, इस मिनिमम इस एक्सिस पर हम लोग बात करते हैं अबाउट द इंटर आयनिक स्पेसिंग, इंटर आयनिक स्पेसिंग, पॉजिटिव और कैटर, पॉजिटिव और निगेटिव कितना दूर है, पॉजिटिव और निगेटिव कितना दूर यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये इस टाइप का ग्राफ आएगा और आपसे पूछेगा कि कितनी डिस्टेंस पर आ सकता है, सपोज दिस डिस्टेंस इज आर नॉट, ये कैटाइन और एनाइन की क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। इससे और क्लोज तब आ पाएंगे जब आप बहुत हाई प्रेशर इन पर अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमारा जो कर्व है, कर्व हमारा नंबर वन, नंबर टू, नंबर टू तो हमारा करेक्ट है, नंबर टू इज करेक्ट बिकॉज, नंबर टू इज करेक्ट बिकॉज अट्रैक्शन फोर्सेस फॉलोज द कूलॉम्बिक अट्रैक्शन। नंबर वन हमारा करेक्ट नहीं है यदि ये कूलॉम्बिक अट्रैक्शन शो कर रहा है। ओवरऑल जो है वो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ग्राफ थ्री, जिसके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस भी और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है, इसीलिए हम लोग अपना कर्व जब शो करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में तो इसी टाइप से सब शो करते हैं बाई द ग्राफ थ्री। तो आपको ध्यान रहे, और कभी आपसे बोर एक्सपोनेंट पूछवा ले तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफरेंशिएट करते हुए, कैलकुलस यूज करते हुए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वील सी इन द डीपीपी। नाउ सी ए बी सॉलिड आपने कुछ लिया और इसको कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, और ये ब्रेकअप हो गया इनटू द ए प्लस गैस प्लस बी माइनस गैस। तो इसी क्यू को हम लोग बोलते हैं, दिस क्यू इज लैटिस एनर्जी, दिस क्यू इज लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, और जो यू नेट मिनिमम है, यू नेट मिनिमम है, इसको भी हम लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देखें कि जब कैटाइन और एनाइन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, जब ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, अप्रोच करते जाएंगे, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी सपोज ये स्टोर हो गई पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गई एनायन और कैटायन की, तो इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब आपने इसी सिस्टम को क्या कुछ हीट ट्रांसफर किया, क्यू हीट का ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करा, तो ऐसे में एनायन और कैटायन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये दोनों दूर जाना शुरू हो जाएंगे, और इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए ये दोनों फिर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने इसको सप्लाई किया है, जो हीट ट्रांसफर किया है, उसी को हम लोग रखेंगे इन द कैटेगरी ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो आपसे बोला कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, जैसे कोई ए और बी बन रहा है तो ए प्लस और बी माइनस, इट इज ए क्रिस्टल। ये बना कैसे होगा, ए ने बहुत आसानी के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा या जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे, सो इट बिकम्स ए प्लस
प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब जब कैटाइन बने तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, देयरफॉर वी आर सेइंग फॉर आयनिक बॉन्ड, फॉर आयनिक बॉन्ड आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटाइन मस्ट बी लो, कम होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, और आसानी के साथ कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। फिर आप पढ़ते हो कि कोई भी एनाइन होता है, वो एनाइन इलेक्ट्रॉन को यदि कैप्चर कर ले तो यहां एक्स माइनस बनता है, दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी। पहला वाला आयनाइजेशन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी उतनी रैपिड आपका एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो आयनिक बॉन्ड के लिए दूसरी कंडीशन क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायन मस्ट बी हाई। यहां हम लोगों ने क्या कि कंडीशन पढ़ी, हम लोगों ने यहां पर कंडीशन पढ़ी आयनिक बॉन्ड की। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं कि कैटाइन भी आसानी से बन गया और एनायन भी आसानी से बन गया। और कैटाइन और एनायन जब क्लोज आ गए, जितने क्लोज आ जाएंगे उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और उसी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो आप हीट ट्रांसफर कर रहे थे या एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सो फॉर आयनिक बॉन्ड, रिमेंबर फॉर आयनिक बॉन्ड लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई, लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई, हाई लैटिस एनर्जी होनी चाहिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द आयनिक बॉन्ड, जब आगे पढ़ेंगे तब बाकी चीजें वहां पढ़ेंगे। आई हैव जस्ट गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो नाउ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा हम लोगों को यही डिस्कस करना है, यही बॉन्डिंग डिस्कस करनी है। तो लिखना कि ऑन द इंटरेक्शन, ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरेक्शन ऑफ, इंटरेक्शन ऑफ orbitals, on the behalf of interaction of orbitals, covalent bond is classified as, इसको देखें आप कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की कई कैटेगरी है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसा है उसको हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड,
second is pi bond, third is delta bond, and fourth is tau bond. ये हम आपको ब्रीफ क्लासिफिकेशन दे रहे हैं अबाउट द बॉन्डिंग. अगेन वी हैव टू स्टार्ट. पहली बॉन्डिंग हम लोग को कोवेलेंट पढ़नी है और आयनिक का हमने आपको हल्का सा आइडिया दिया. सिमिलरली हम आपको मेटालिक का भी एक जनरल आइडिया देंगे अबाउट द मेटालिक बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम इतनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. इसमें आप लिखें आयनिक बॉन्ड तो बनता है जब आयन्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होगी. व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड by complete sharing of electrons then such bonds are said to be कोवेलेंट बॉन्ड्स. क्या मतलब हुआ शेयरिंग का? हमने आपको बोला था कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो एक और दूसरा भी इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होते हैं तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते. यदि वो ट्रांसफर नहीं कर सकते तो वहां पर क्या होगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं होता. तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड अभी कैसा हुआ, जैसे सपोज करो कि क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या आपको नहीं क्लोरीन लेना है, आपको पता है कि फ्लोरीन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन जो है वो सेवेंथ ग्रुप का है, तो इसके आउटर मोस्ट में जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सात होंगे. सात इलेक्ट्रॉन्स होंगे. नाउ एफ, इसमें भी आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो सात हो गए. आपको मालूम है कि आठ इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, दिस सिस्टम इज स्टेबल. इसलिए यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी. फ्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और ये वाला फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लेगा, जिसको हम लोग एक परफेक्ट सर्किल से दिखाते हैं. तो यहां बन गया एफ सिंगल बॉन्ड एफ. जब वन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उस टाइम पर आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड. दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड. तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा देन ट्रिपल बॉन्ड. देन इट इज ट्रिपल बॉन्ड. अब चार इलेक्ट्रॉन्स का जनरली क्या शेयरिंग नहीं होता है, और आप बोल सकते हो कि फोर इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है उससे तो हमारे पास फोर बॉन्ड बनेंगे, बट दिस इज वेरी रेयर.
मतलब आपको ये सोचते हुए चलना है कि आपके सिलेबस के लेवल पर ये तो नहीं होता अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन नहीं आए। तो 1, 2, 3 मैक्सिमम। अब बात आती है कि बॉन्ड को हम लोग कैसे कैसे इसमें शो करते हैं। एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है? बहुत सारे बना सकता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे सपोज करो कि कोई एलिमेंट ए है और ये 5 बॉन्ड बना सकता है, तो एक प्रोसीजर तो ये हो गया। दूसरा प्रोसीजर हो गया, ए ने एक तरफ तो डबल बॉन्ड बना लिया और 3 इस टाइप से हो गए। उसके बाद एक डबल बॉन्ड इस तरफ, एक डबल बॉन्ड इस तरफ और एक यहां। तो ये हम आपको पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे कैसे बॉन्ड हो सकता। फिर ए एक डायरेक्शन में ट्रिपल बॉन्ड, एक डायरेक्शन में डबल बॉन्ड और एक डायरेक्शन में ट्रिपल बॉन्ड, 5 वैलेंसी शो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा कि एक डायरेक्शन में एक और दूसरे डायरेक्शन में 4, ये नहीं। या फिर ए ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, दिस इज नॉट अलाउड, ये हो सकता है। तो यदि मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में, एक अलग कहानी है। लेकिन आप सोचें कि यहां पर शेयरिंग जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन की एक साथ हो गई है, एक ही तरफ हो गई है, एक ही एटम से हो चुकी है, दैट इज 4 विच इज नॉट अलाउड, 5 which is also not allowed। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जाए जब वहां पर क्या हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दोनों मिलके क्या देंगे आपको, कोवेलेंट बॉन्ड देंगे, ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड देंगे। अब बात आती है कि आगे हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को कई टाइप से डिवाइड कर रखा है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उन बॉन्ड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या, एक कनेक्टिविटी आनी चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है इट इज आल्सो ए कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय head on interaction, it is formed by head on interaction of pure atomic orbital, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, 1 प्योर एंड 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल और बोथ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बोथ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें ध्यान रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन
bond formation take place along inter nucleus axis. वो कैसे, हम बात कर रहे हैं अबाउट द सिग्मा बॉन्ड. यहां देखें आपकी एस ऑर्बिटल, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है. ये दोनों मिलके जब ओवरलैप करेंगे तो जो ओवरलैप पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड. इसको हम लोग बोलते हैं, इसको आप बोलोगे दिस इज एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल से मिक्स हुई सो एस एस सिग्मा, दिस इज ए एस एस सिग्मा. तो ये प्योर ऑर्बिटल है, इट इज प्योर. जब एस और पी आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो हाइब्रिड हो जाती हैं. एस पी और डी जब मिक्स हो जाती हैं तो वो हाइब्रिड हो जाती हैं. यहां हम या तो एस ले रहे हैं या पी ले रहे हैं. जब एस और पी लेंगे हम लोग तो उसको बोलेंगे हम लोग दैट इज द प्योर ऑर्बिटल. ये भी प्योर है और ये वाली भी प्योर है. प्योर एस है और प्योर एस है. प्योर एस एस जब मिक्स हुआ तो एस एस सिग्मा का फॉर्मेशन हुआ. सेकंड देखें आप, प्योर एस हाइब्रिड मतलब होता है एस और पी आपस में मिक्स हैं पहले से, और हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग ऐसा शो करते हैं, एक तरफ का लूप बड़ा और दूसरी तरफ का छोटा, ये हाइब्रिड. अभी तो हम फिलहाल प्योर की बात कर रहे हैं. तो एस ले लिया और पी का शेप कैसा होता है, इट इज द डम्बुल. अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, यह भी अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है. यह मिक्स हो गया इंटर और ओवरलैप कर लिया अराउंड द इंटर न्यूक्लियस एक्सिस. तो दिस इज द एस पी एंड सिग्मा, दिस इज द एस पी सिग्मा. थर्ड हम लोग इसके अंदर यूज करें कि एक पी लिया, दूसरा भी आपने पी लिया, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है. इसके अलॉन्ग ये दोनों मिक्स होने जा रही हैं. तो ऐसे केस में हम लोग फिर से यहां से हम लोगों ने ऑर्बिटल शो कर दी. एक्सिस के अलॉन्ग ये दोनों क्या हो रही है, मिक्स हो रही हैं. सो दिस इज द पीपी सिग्मा, दिस इज द पीपी सिग्मा. इसके बाद फोर्थ केस की बात करें हम लोग, तो फोर्थ केस में आपको ध्यान रहे कि मान लीजिए हम लोगों ने एस लिया और इसके साथ में एक हाइब्रिड ले रहे हैं. हाइब्रिड में तुमको मालूम है कि एक तरफ का लूप बड़ा और एक तरफ का छोटा. आगे जाके हम बताएंगे आपको कि जहां से मिक्सिंग होनी है उस लूप का साइज बड़ा होना चाहिए, उस लूप का साइज बड़ा होना चाहिए. तो यहां देखें कि आप ये एक्सिस के अलॉन्ग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो एस और हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है उसको हम लोग, ये हमने आपको बोला कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है.
इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई एस पी और कुछ आई लगा दिया, आई या आई डैश लगा दिया, इसका मतलब इसमें एस बी और पी बी है, जैसे हाइब्रिडाइज होता है एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री, जो कि हम लोग हो सकता है पढ़े हो सकता है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहां पर भी मिक्सिंग हो रही है, इट इज एस एंड दिस इज द एस पी आई, एस एंड एस पी आई, सो दिस इज द एस एस पी आई सिग्मा, एस एस पी आई सिग्मा। ऐसे आप फिफ्थ केस आपने क्या किया कि पी ऑर्बिटल ली, दिस इज द प्योर पी, और इसी के साथ आपने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ली। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ये दोनों मिक्स होने जा रहे हैं, ये दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग मिक्स होने जा रहे हैं। तो पी आपने ये बना दिया और इसके साथ ही एक्सियल ओवरलैप दिखाया फॉर द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पी मिक्स हो गया अलोंग द, आगे हम इसमें फीस बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो उससे आपको थोड़ी आसानी होगी। तो बेसिकली हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज द पी एंड एस पी आई सिग्मा, पी एंड एस पी आई सिग्मा। नाउ सिक्स वन, दो हाइब्रिड, अलॉन्ग द एक्सिस मिक्सिंग वहां से होती है जो लूप का साइज बड़ा होता है, इसको हम लोग कुछ इस टाइप से शो करेंगे। एक सपोज हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारी एस पी आई है और ये एस पी आई डैश है, यहां पर ये पी था एंड दिस इज द एस पी आई, नाउ दिस इज द एस पी आई, एस पी आई डैश सिग्मा। सो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, रिमेंबर। इसके आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, अभी पहले हम लोग सारे टाइप के बॉन्ड देखेंगे और उसके बाद एक एक करके चीज को क्लासिफाइड करते जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होना इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।